वन एक ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर बच्चों और बड़ों सबकी दिलचस्पी को मद्देनजर रखते हुए दीगर मॉन्यूमेंट के साथ साथ PIA का एक पैसेंजर जहाज भी नष्ट किया गया है। ये है टाउन वन। इस तरह के जो मेले हैं या डिस्कोर्सेज जैसे इस मेले में हो रहे हैं, उससे लोग सीखते हैं बहुत कुछ। कौमें तरक्की करती हैं और मिनहसुल कौम हम आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे के तजदियों से, ख्यालात से, थॉट्स से हम फ़ायदा उठाते हैं। और फिर इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी अगर कोई बंदा चले सोसाइटी को कंट्रीब्यूट नहीं भी कर रहा तो, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे अगर वो अपने आप में चेंज भी लाता है तो ऑन द होल वो सोसाइटी के लिए एक बेहतर सिम की तरफ ही जाता है। तो मैं तो इनको इसी तरह देखता हूँ और आज भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा है यहाँ पर। फिर उसके साथ साथ जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हमारे जो ओरिजिनल काम है, डेक्सटेरिटी जो हाथ से काम करने वाली चीज़ें वो भी मैंने देखी माशाल्लाह। उनको भी फ़रोग देने के लिए ये बहुत ही बेहतरीन मौका है कि हम अपने आर्ट्स को लोगों तक पहुंचाएं इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। टाउन वन जीने की नई उमंग, जहां मैं शहर की रौनक, खूबसूरती और गहमा गहमी से लुत्फंदोज हो सकूं। 500 मुरब्बा गज के कमर्शियल प्लॉट्स और 1000 मुरब्बा गज के फार्म हाउसेस सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौके। जी शकील अबड़ो, डायरेक्टर सिटको। सिटको की तरफ से जो ये दो दिन का यहाँ पे हुनरमंद क्राफ्ट्स फेस्टिवल था, उसका आज आखिरी दिन है। और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से जो भी हुनरमंद हैं, जो कि मुकामी हुनरमंद हैं, कारीगर हैं, जैसे अजरक हो गई, ब्लॉक प्रिंट हो गई, काशीगर हो गए, कुम्हार हो गए, या जो एम्ब्रॉयडरी का काम होता है, कशीदाकारी का, और उनके कारीगर यहाँ पे बुलाए हुए हैं दो दिन के लिए। उन्होंने यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं और अपनी कारोबार को बढ़ाने के लिए काफ़ी उनकी सेल भी हुई है, इनक्रेजमेंट भी हुई है, और इंशाल्लाह वापस जाएंगे अपने उनकी जो माशी हालत को बेहतर करने के लिए। क्योंकि ये इवेंट्स जो होते हैं, जो कि हम सिटको की जानिब से करते हैं इधर आर्टिज़न विलेज सिंध म्यूज़ियम में, इसका मकसद यही होता है कि हमारे जो कारीगर हैं वो अपने विलेजेस में बैठ के, इतना उनको मार्केट का नहीं होता इधरा, तो यहाँ पे उनको एक मार्केट से लिंक करने के लिए एक कोशिश की जाती है। और हैदराबाद में आपको पता है कि इस किस्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत कम होती हैं, तो हमारी कोशिश ये होती है कि फ्रीक्वेंटली इस किस्म की चीज़ें हों। और इस दफ़ा हैदराबाद लिटरेचर फेस्टिवल भी साथ था, तो हमने इस चीज़ को एक मौका जाना और साथ मिलके हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। और माशाल्लाह आर्टिज़न जो ओनरमंद हैं वो यहाँ पे आए हैं, काफ़ी मुतमईन भी हैं अपने काम से, और काफ़ी उन्होंने एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जी इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि अब नेक्स्ट जो हम इनको कराची लेके जा रहे हैं, जो कि कराची में 3 से 5 मार्च तक होगा, और उसके बाद फिर दोबारा इंशाल्लाह वापस कराची में, क्योंकि फिर रमज़ान शरीफ होगा, तो रमज़ान के बाद इंशाल्लाह फिर को हेठ पुजाणी थियणी आहे सूरज जी हो साईं कदा जे मस्त कलंदर दमादम मस्त बहुत अच्छा काम है। काफी इससे अवेयरनेस आ रही है, मुख्तलिफ इसमें डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगे, हमारे लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के, एनिमल हस्बेंड्री विंग है, ब्रीडिंग विंग है, पोल्ट्री विंग है, इनके स्टॉल लगे हैं, क्योंकि ये बेसिकली लोगों को, हर किस्म के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हैदराबाद में लिटरेचर फेस्टिवल 2 दिन से चल रहा है और ये 8वां फेस्टिवल है लिटरेचर फेस्टिवल, और ये हमारे शहर हैदराबाद के लिए बहुत ही खूबसूरत खुशाइन बात है कि ऐसे फेस्टिवल कंटिन्यूसली हो रहे हैं, 8वां साल है, और इससे हमारे हैदराबाद का बहुत एक खूबसूरत इमेज जाता है, और एक ऐसा इमेज जो है वो पूरी पाकिस्तान में या दूसरी दुनिया में जाता है कि जहाँ हैदराबाद की जो सकाफ़त रही है अदबी लिहाज से, कल्चर के लिहाज से, सकाफत के लिहाज से, तो उसका एक मैसेज जाता है कि हैदराबाद में अभी भी ऐसे लोग हैं कि जो कल्चर को ज़िंदा रखे हुए हैं और सकाफत को ज़िंदा रखे हुए हैं। दुनिया में जो है वो मॉडर्नाइजेशन आ गई है,
और दुनिया सकाफत से दूर हो गई है, लेकिन हमने अपनी सकाफत को आज भी अपने साथ रखा हुआ है, इसको लेके चल रहे हैं। लिटरेचर के लिटरेचर से रिलेटेड हमें यहाँ पे स्टॉल्स भी मिलेंगे जहाँ पे यंग यूथ को बहुत सपोर्ट मिलती है, वो बुक्स पढ़ते हैं तो उनको लिटरेचर की असल अहमियत हासिल होती है। आज हम ये आए हैं हैदराबाद में जो लगा है आठवा सिंध लिटरेचर फेस्टिवल, जिसमें अदबी प्रोग्राम हो रहे हैं, टेबलोज हो रहे हैं, जो भी जिसको एफिशिएंसी है उसको मौका मिलता है कि वो स्टेज पे आके परफॉर्मेंस करे। ये है टाउन वन, जहां हर लम्हे में मनाऊं जिंदगी का जश्न, जहां सपने लगे सच्चे, ऐसी जगह जहां जिंदगी खुशियां बांटे। बुकिंग और तफसीलात के लिए नाहिद बिल्डर एंड डेवलपर्स, मेन टंडो मोहम्मद खान रोड, नज़्द सीरी चौक।